अमन ने अपने पापा को प्रॉमिस किया था कि टेंथ में वो अपनी जान लगा देगा और टॉप करेगा, लेकिन क्लास 10 के रिजल्ट के दिन जब स्क्रीन पे उसने 75% देखा वो पूरी तरह से टूट गया। क्या हुआ अमन? पापा मैं टेंथ में टॉप नहीं कर पाया, अब ना ही मुझे अच्छी स्ट्रीम मिलेगी, ना ही अच्छा कॉलेज, ना ही प्लेसमेंट, मतलब अब मैं लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। और पापा ने मुस्कुरा के बोला, बेटा चल मैं तुझे कहानी सुनाता हूँ जो आज तक किसी को नहीं पता। एक बार एक डफर लड़का क्लास 10th में फेल हो जाता है और दूसरी बार कोशिश करने पर भी उसके 70% ही बने, लेकिन सबके तानों से परेशान होकर उसने मेहनत करना सीख लिया था तो क्लास 11th और 12th में अपनी जान लगा वो 90+ स्कोर कर देता है और अनबिलीवेबली IIT का एंट्रेंस भी क्रैक कर लेता है। लेकिन IIT से जॉब प्लेसमेंट मिलने के बाद उसका काम में मन नहीं लगता और उसके बुरे परफॉर्मेंस की वजह से उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया, लेकिन उसका दिल बिजनेस में लगा और आज उसने अपने बल पर 100 करोड़ से भी ज्यादा बड़ी कंपनी अमन इंडस्ट्रीज खड़ी कर दी है। ओ तो पापा ये तो आपकी कहानी है। बेटा क्लास 10 रिजल्ट के 3 झूठ है। पहला कि अच्छी स्ट्रीम नहीं मिलेगी, दूसरा कि अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, और तीसरा और सबसे बड़ा झूठ कि सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए क्लास 10th की मार्क्स नहीं चाहिए, बस तुम्हारी सांसें चलती रहनी चाहिए।